हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल मिस्ट्रीज ट्यूब पर। हमेशा की तरह आज भी मैं आप सभी को एक डरावनी कहानी सुनाने वाला हूं। दोस्तों, कहानी काफ़ी रोमांचक और रोंगटे खड़े कर देने वाली है, तो इसको अंत तक ज़रूर देखें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चलिए अब शुरू करते हैं अपनी आज की कहानी को। बात 1990 के आसपास की है। गगन नाम का एक लड़का अपनी माँ के साथ रहता था। उनका घर शहर से कुछ दूर था। गगन को नॉवेल्स पढ़ने का बहुत शौक था और वो हर वक्त अपनी किताबों में ही लगा रहता था। गगन की माँ को उसकी इस आदत से बहुत चिढ़ थी, क्योंकि वह घर के किसी काम में ध्यान नहीं देता था और अपनी नॉवेल्स में ही लगा रहता था। एक दिन गगन की माँ ने उसे शहर जाने को कहा, क्योंकि उन्हें घर के लिए सामान मंगवाना था। अगले दिन गगन शहर चल पड़ा और दिन भर उसने खरीदारी की। बस अब उसे एक ही सामान लेना बाकी था, वो था घर के लिए पर्दे लेना। गगन पर्दे लेने जा ही रहा था, तभी उसे रास्ते में एक किताब की दुकान दिखाई दी। गगन ने सोचा, पर्दे बाद में ही ले लूँगा, पहले कोई नॉवल ले लेता हूँ। ये सोचकर गगन दुकान में चल पड़ा और एक नॉवल की किताब उसने ले ली। वो किसी की जीवनी थी, उसे लेकर गगन अपने घर चल पड़ा। जब गगन घर आया तो उसकी माँ ने उससे पर्दों के बारे में पूछा। तब गगन को याद आया कि वो तो नॉवल के चक्कर में पर्दे लेना भूल ही गया है। ये बात उसने अपनी माँ को बताई, जिसके बाद उसकी माँ ने उसे खूब डांटा। अगले दिन गगन नॉवल पढ़ रहा था, तभी उसकी माँ भी आ गई। गगन ने माँ को बताया कि ये काफ़ी अच्छी नॉवल है, इसकी कहानी सबसे अलग है। गगन माँ को नॉवल दिखा ही रहा था कि तभी उसकी नज़र नॉवल के एक पन्ने पर पड़ी, जिसमें किसी ने एक कागज़ में किसी चित्र को पिंच किया हुआ था। गगन ने माँ को भी वो चित्र दिखाया। गगन की माँ को वो चित्र काफ़ी पसंद आया। उस चित्र में बस चारों तरफ गोल गोल लाइंस बनी हुई थी, जो देखने में बहुत सुंदर लग रही थी। गगन ने अपनी माँ से कहा, क्यों ना यही डिज़ाइन हम अपने पर्दों में भी बनवा लें। उसकी माँ को गगन की बात पसंद आई और गगन अगले दिन उस डिज़ाइन को लेकर शहर चला गया और एक पर्दे बनाने वाले को वो डिज़ाइन देकर उसी डिज़ाइन के पर्दे बनाने का ऑर्डर देकर घर आ गया। गगन एक महीने बाद पर्दों को लेने जब पर्दे वाले के पास पहुँचा, तो उसने पर्दे वाले से पूछा कि आपको ये डिज़ाइन बनाने में कोई परेशानी तो नहीं हुई ना? तो पर्दे वाले ने बताया, वैसे तो हमें कोई परेशानी नहीं हुई, पर इसका डिज़ाइनर कह रहा था कि इस डिज़ाइन में कुछ तो गलत है। इसे डिज़ाइन करते वक्त वो काफ़ी उदास महसूस कर रहा था। गगन ने पर्दे वाले की बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और घर आकर नौकरों को वो पर्दे लगाने के लिए दे दिए। पर्दों के लग जाने के अगले दिन ही गगन गेस्ट रूम में बैठकर कोई किताब पढ़ रहा था, तभी उसे ऐसा लगा कि पर्दों के पीछे कोई खड़ा है। उसने अपने मन का वहम जानकर किताब को पढ़ना जारी रखा, तभी उसे ऐसा लगा जैसे पर्दों के पीछे से लंबे लंबे बाल उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। गगन जैसे ही पीछे मुड़ा, वहां पर कुछ भी नहीं था। उसे लगा जैसे पर्दों की डिज़ाइन की वजह से उसे बालों का अपने तरफ आने का एहसास हुआ। गगन वहां से उठकर अपने कमरे में आ गया। अगले दिन रात के समय गगन फिर गेस्ट रूम में बैठकर किताब पढ़ रहा था। कमरे के पर्दे अपने आप हिलने लगे। गगन को लगा शायद उनका पालतू कुत्ता पर्दों के पीछे खड़ा है और वही पर्दों को हिला रहा है। गगन ने जब पर्दों को हटाया तो वहां पर कोई भी नहीं था। इसके बाद गगन सीढ़ियों से ऊपर अपने कमरे की तरफ जाने लगा। सीढ़ियों पर चढ़ते वक्त गगन को एहसास हुआ कि कोई उसके पीछे है। गगन ने पीछे मुड़ के देखा तो कोई शख्स उसके पीछे खड़ा था। उसके चेहरे पर ना आँखें थी, ना मुँह था और ना ही नाक थी। अगर कुछ दिखाई दे रहा था तो उसके हवा में लहराते लंबे लंबे बाल। उसे देखने के बाद गगन के होश उड़ गए और वो बेतहाशा अपने कमरे की तरफ भागने लगा। भागते वक्त उसे एहसास हुआ कि उसकी शर्ट को किसी ने नाखूनों से फाड़ दिया है और उसकी पीठ पर नाखून गड़ने लगे थे। तभी गगन का कमरा आ गया। किसी तरह वो अपने कमरे को खोलकर उसमें घुस गया और बेहोश हो गया। सुबह जब उसकी आँख खुली तो उसने सारी बात अपनी माँ को बताई। उसके बाद गगन कुछ दिनों के लिए घर से बाहर चला गया और जाने से पहले उस किताब को भी अपने साथ ले गया जो उसने दुकान से खरीदी थी। गगन ने बाहर जाके उस किताब को आगे पढ़ना शुरू किया, जिससे उसे उन पर्दों के बारे में पता चल सके। किताब में आगे के पन्नों में कुछ कागज़ के नोट्स पिन किए हुए थे, जिन्हें पढ़कर गगन को पता चला कि काफ़ी समय पहले हैदराबाद शहर में एक रईस लड़का रहा करता था। वो अपने कॉलेज में सभी को परेशान करता था। स्वभाव से वह काफ़ी गुस्से वाला और घमंडी था। उसकी हरकतों से कॉलेज के बच्चों के साथ साथ उसके टीचर भी परेशान थे, पर उसे कोई कुछ नहीं कह पाता था, क्योंकि उसके पिता शहर के जाने माने रईस थे। उस लड़के को बड़े बाल रखने का शौक था,
जो उसके कंधे तक आते थे और वो बहुत ही रंग बिरंगे अजीब कपड़े पहनता था। वो अपने नाखूनों को हमेशा बड़ा ही रखता था। एक दिन उस लड़के की लाश कॉलेज के वॉशरूम में मिली। उसका पूरा शरीर किसी ने काट डाला था। अगर कुछ उसके शरीर का सही सलामत बचा था तो वो थे उसके बाल। जब उस लड़के के पिता को ये बात पता चली तो वो वहाँ आए और अपने बेटे के बालों को अपने साथ ले गए, जिससे उन्होंने अपने बेटे की याद में एक चित्र बनवाया जिसका डिजाइन इस किताब के पन्नों पर पिंच था। ये सब पढ़ने के बाद गगन को सारी कहानी समझ आ गई और अगले दिन घर जाकर उसने नौकरों को बोलकर सभी पर्दों को जला दिया और उस किताब को भी जला दिया। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं ख़त्म होती है। वीडियो पसंद आई हो तो कृपया लाइक ज़रूर करें, साथ ही वीडियो को शेयर भी कर दें, जिससे हमें और भी वीडियोस बनाने की मोटिवेशन मिलती रहे। मिलते हैं एक और डरावनी कहानी के साथ, तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।